शिक्षा चल होना हुआ है और हम इंडस्ट्री उद्योग की तो बात ही नहीं कर सकते। पूरे बिहार में झंझार में तो क्या, पूरे बिहार में उद्योग नाम का बहुत बड़ा जीरो है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा समस्या आप समझ में आ गया आप लोगों को, और यही समस्या है उसको समाधान करने आया हूँ। कोई मैं मेरा कोई नेता बनने का, MLA बनने का, एमपी बनने का शौक नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। और मैं लेकिन इस सब को समस्या को दूर करने के लिए हमें सिस्टम में आना पड़ेगा, और एक ही सिस्टम है वो सरकार के अंदर माना है। और फिर मैं IAS DM भी नहीं बन सकता, लेकिन अगर DM बन भी जाऊँगा तो बहुत सारी सब उसको वो भी नहीं कर सकते, DM भी नहीं कर सकते। एक आपका प्रतिनिधि बन करके ही हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने डिसाइड किया यहाँ का प्रतिनिधि बनो, यहाँ की आवाज़ उठाओ, आवाज़ मत उठाओ, आवाज़ तो उठाएंगे उसका समाधान करेंगे। हमने समाधान कैसे करना वो भी सोच लिया है, उसका भी मैंने समाधान ढूंढ लिया है। और पहला समस्या है हॉस्पिटल। 6 लोकसभा हमारे एक विधानसभा, इस लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा है। हर एक विधानसभा में मुझे एक अस्पताल खोलेंगे 100 बेड का, और ये उसमें सारे तरह की मशीनें होंगी। जो अस्पताल के लिए मशीनें होती है, एक्सरे से शुरू करवा, एक्सरे हो गया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड, ये सब बेसिक मशीन है, और लैब। उसके अलावा आपको अगर CT स्कैन की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे। मेरी माता की डेथ हो गई, दरभंगा तक में उस समय में CT स्कैन नहीं था। मेरी माता जी को हार्ट अटैक हो गया था, नहीं था, तब मैंने डिसाइड किया कि यहाँ तो कम से कम CT स्कैन खोलना चाहिए। फिर दरभंगा में CT स्कैन लग गया, झंझारपुर में तो नहीं है। उसके बाद आपका MRI हो गया, CT स्कैन, MRI, ये बेसिक चीज़ें हैं। और आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए मामोग्राफी है, दांतों के लिए OPG है, ये मशीनें लगनी चाहिए, लैब की सारे टेस्ट का लगना चाहिए। ये 6 अस्पताल बनाएंगे, उसमें 6 में ये सारी मशीनें जहाँ जो रोगी करेंगे, जैसे कार्डियक सेंटर है तो वहाँ मेमोग्राफी नहीं चाहिए, वहाँ CT स्कैन चाहिए, MRI चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए, एक्सरे चाहिए। पहला होगा हमारा कार्डियक सेंटर, दूसरा होगा हमारा कैंसर सेंटर, तीसरा होगा हमारा ट्रॉमा सेंटर, फिर हमारा इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में ही आ जाते हैं इमरजेंसी। लेकिन फिर भी एक छोटी मोटी में आपका इमरजेंसी, और सभी अस्पतालों में ICU जरूर रहेगा, चाहे 10 बेड का ICU हो या 20 बेड का ICU हो, ICU जरूर होगा। अब जब ICU होगा तो आपके पास वेंटिलेटर मशीन भी चाहिए, इन्फ्यूजन पंप भी चाहिए, स्लीप पंप भी चाहिए, ये सब छोटी छोटी मशीनें हैं, इसके भी समाधान है, इसके बिना भी हो सकता है। लेकिन आपको लाइफ सपोर्ट के लिए आपको वेंटिलेटर की जरूरत है। इतना ही नहीं, अगर पेशेंट यहाँ से फ्लाई भी करना है, दिल्ली भी ले जाना पड़े, उसके लिए ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर चाहिए। अब दरभंगा में हवाई जहाज खुल गया है तो बहुत ही इससे फायदा होगा पब्लिकों को। लेकिन हमने चाहते हैं कि झंझारपुर का एक भी पेशेंट को झंझारपुर से बाहर जा सके, जाना पड़ सके, सारी सुविधाएं यही होनी चाहिए। और उसमें एक और भी है, जो न्यू बॉर्न बेबी जो डिलीवरी के उसके बाद कई बार 7 महीने का, 8 महीने का बच्चा हो जाता है, अगर कि 9 महीने का बच्चा भी पैदा होता है तो 10-15 बच्चा होता है, उसको इंक्यूबेटर रखना पड़ता है, उसके लिए न्यूरोनेफ्रोलॉजी ICU होता है, फिर पीडियाट्रिक ICU हो गया, ये होना चाहिए, इसकी भी सुविधाएँ होनी चाहिए। ये अस्पतालों की मतलब कि आपको जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक जो बेसिक इसमें इमरजेंसी बात आती है, जैसे कि मान लीजिए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है, GI सर्जरी के अंदर में न्यूरो सर्जरी का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कोई इमरजेंसी इतना नहीं है। तो इसको छोटे जो बेसिक है, पेडियाट्रिक हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, आपका इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, कार्डियोलॉजी, कैंसर, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और सर्वाइव भी नहीं कर पाते, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली जाकर इलाज कराइए। वहाँ तो ये हाल होता है कि दिल्ली का टेम्परेचर मिनिमम 4 डिग्री आ जाता है, और आपको वहाँ पर कोई एम्स की अगल बगल में, स्वतंत्र जनता अगल बगल में कोई
आपका धर्मशाला नहीं है, वहां पर ओपन खुले में आसमान के नीचे हम लोग रजाई के अंदर रूम के अंदर में हीटर लगा करके सोते हैं। उसको सोचिए, गरीब आदमी है, वो क्या इलाज कराएगा, क्या ट्रीटमेंट आएगा। लोग आधी रात में दिल्ली के बगल वाला सब आ जाता है रात में लेने के, हम दोनों आदमी मैंने कोई कंबल काटो के सारे बिहार के लोग ये होते हैं दिमाग गया तो अगर वहाँ के लोग थे। हम लोगों ने दो बार दो रात गए, हिम्मत किए कि चलो, उठाया कंबल रात को 12 बजे, ये हमारे फेसबुक पे ऑलरेडी डाला हुआ है, आप गौरी शंकर साहब का देखिएगा तो दिसंबर का महीने का जनवरी महीने का होगा, मेरे ख्याल से जनवरी का महीने का होगा, आपको मिलेगा। हम लोग दिखावा नहीं करते, 5 आदमी मिलकर के एक केला देने नहीं जाते है ना। हम लोग 5 आदमी दिखिएगा, 5 आदमी आया हुआ है एक केला लेकर पेशेंट को भी ले जा रहा, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम दिखाते नहीं पेशेंट। समाज सेवा के रूप में आप कितने सालों से ये दे रहे हैं? सही प्रश्न आपका, समाज सेवा के रूप में देखिए, अगर मैं समाज के लिए साहू समाज से हूँ नहीं कर सकता, मैं 2014 से, और मैं बता दूं ऐसे मेरी देखिए कोई भी चीज आदमी के अंदर में ना आपका एक एटीट्यूड होता है, आपका शुरू से ही आपकी आपके अंदर में ऐसा गुण होगा तो आगे जा करके आप समय के अनुसार आप करेंगे। हमें समाज सेवा नहीं, पब्लिक सेवा, मदद करने की जो आते हैं वो बहुत बचपन से ही है। मैं ये कोटोना बाजार से मिडिल स्कूल पास किया हूँ, एक बार एक मास्टर ने हम लोगों को पीट दिया, जब बहुत ज़्यादा उमड़ा पकड़ पीट दिया, हमने पूरा मोहल्ला उठा के लाया, उस मास्टर को भेज दिया, बहुत जबरदस्त पीटा था।